जिले के जवां थाना अंतर्गत बीती शाम एक युवक के अपहरण की सूचना ने पुलिस की नींद उड़ा दी। एसपी के निर्देश पर पुलिस की कई टीम बनाकर अपहृत युवक की रात भर तलाश की गई और आज अपहरण युवक के साथ दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूरी घटना का खुलासा कर दिया। यूट्यूब में अपहरण करने का वीडियो देखने के बाद दो बदमाशों ने योजना बनाकर अपने ही पहचान के एक युवक शिवम कॉल को किडनैप कर लिया और उसी के मोबाइल से घर पर फोन लगाकर अपहरण की जानकारी देते हुए फिरौती के 8 लाख रुपए की मांग की। अपहरण युवक की मां ने पुलिस को सूचना दी, जिसे गंभीरता से लेते हुए एसपी के निर्देश पर अलग अलग थानों की टीम बनाकर रात भर सर्चिंग की गई, स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई और अपहरण व्यक्ति युवक शिवम को सकुशल डोडो जंगल से दस्तयाब कर लिया गया। साथ ही दो आरोपी ऋतिक सिंह एवं एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 315 बौर का देसी कट्टा एवं 12 बौर का देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। एसपी ने बताया कि आरोपी पीड़ित के जान पहचान के हैं, इनके बीच कोई पुरानी रंजिश भी नहीं है। इन्होंने यूट्यूब में अपहरण के वीडियो देखकर घटना को अंजाम दिया। इनके आपराधिक रिकॉर्ड भी अभी नहीं मिले हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ सहित इनके आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। अपहरण की सूचना मिलने पर तत्काल थाना जवा एसडीपी दौथर ने कार्रवाई शुरू की। उसके पश्चात रात्रि में अन्य थाना बल एकत्र किया गया। एडिशनल एसपी और मैं स्वयं भी वहाँ पहुँच गए थे। साइबर सेल यहाँ से हमारी हेल्प करता रहा। फाइनली रात भर हमारी टीमों ने बहुत अच्छा काम किया और न सिर्फ अपहरण को सुरक्षित मुक्त कराया अपितु दो आरोपी भी हमने राउंड अप कर लिए हैं। जो अपहरण व्यक्ति है शिवम, उसका आरोपियों से यद्यपि पूर्व से परिचय था, परंतु उन्होंने उस परिचय का लाभ उठाते हुए उसको एक सुनसान स्थल पर बुलाकर उसको अपने साथ ले गए। उसी के फोन से उन्होंने अपहृत व्यक्ति की मां को फोन करके 8 लाख रुपए की मांग की। उसके पश्चात जब अपहृत व्यक्ति के साथ वो लोग छुपे हुए थे एक जगह पर, उन्होंने पुलिस के मूवमेंट को बड़े हुए देखा और लगातार पुलिस पार्टियों की दबिश को देखा। लगभग शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, आप मान लीजिए इतने घंटे के आसपास वो लोग उसको राउंड अप रख पाए। उसके बाद हमारी टीमों ने उसको सकुशल मुक्त करा लिया। हाँ, अभी पूछताछ की भी जा रही है। अभी जो हमें एक कट्टा बरामद हुआ है, अभी और विस्तृत इन्वेस्टिगेशन में जो भी और आगे जानकारियां मिलेंगी उस पर और अभी हमारी टीम काम कर रही है। इसकी योजना बनाकर इस अपहरण को अंजाम दिया गया क्या? टेंडर बनवाने की योजना बनाई कैसे? अभी आरोपियों से प्राथमिक पूछताछ में उनके द्वारा यूट्यूब चैनल देखकर इस प्रकार का पूरा किडनैपिंग करने का प्लान उनके दिमाग में आया, ऐसा उन्होंने भी प्राथमिक पूछताछ में बताया है। और युवा लड़के हैं, अभी उनके पिछला कोई रिकॉर्ड की जानकारी हमको भी नहीं मिली है, एक बार हम और तस्दीक भी करते हैं। इनकी कोई पुरानी रंजिश तो नहीं? पुराना परिचय अवश्य था, रंजिश के विषय में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। ऐसा कोई फैक्ट अगर आएगा उसको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाएगा। आरोपी कहाँ ये जवा थाना क्षेत्र के ही निवासी हैं।